गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है आज वो है द स्ट्रेंजर बाय द विंडो, और जिसका थीम है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ मतलब हमको कुछ सिखाएगा ये, जो हम नैतिक शिक्षा जो हमारे नॉर्मल जो लाइफ है हमारे उसमें काम आएगा। देखो, सारे लेसन ऐसे होते हैं जो हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन इसका थीम ही मॉरल वैल्यू है तो ये ज़्यादा कुछ दे पाएगा। तो इसका नाम है स्ट्रेंजर बाय द विंडो। बाय द विंडो मतलब विंडो के पास, ठीक है, अजनबी जो खिड़की के पास बैठा है, ठीक है, या बैठा है खड़ा है, कुछ भी है, वो लेसन पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो पहले किक स्टार्ट पढ़ लेते हैं। किक स्टार्ट। अ लेसन दैट नॉट ऑल स्ट्रेंजर्स आर बैड एंड वी शुड चेक आवरसेल्फ्स फर्स्ट बिफोर पॉइंटिंग अ फिंगर एट समवन एल्स। देखिए, एक लेसन है कि ये सारे जो स्ट्रेंजर, सारे अजनबी जो होते हैं वो बुरे नहीं होते, और हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए अपने पहले, सामने लोग गलत ठहराने से पहले, कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसको ऐसे किसी की तरफ फिंगर पॉइंट करने से पहले ना, उसको गलत ठहराने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसा ही लेसन हमारा कह रहा है। देखो यार, ऐसी बात नहीं है कि सारे स्ट्रेंजर्स ही बैड होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं, तो तुम लोग सबको गलत नहीं समझ सकते, है ना। लेकिन सबको अच्छा समझना भी गलत है, तो एकदम सामने वाले को देखकर चलना चाहिए कि ये बुरा है या अच्छा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज दैट थॉट नेहा, ये कैसा है नेहा ने सोचा। डैट वॉज हर बुक, हर न्यू बुक, वो उसकी नई किताब थी, उसकी नई किताब। She had not even finished reading it. उसने अभी तक उसको पढ़ना ख़त्म भी नहीं किया था। किसने? नेहा ने। How was it with that man at the window? ये कैसा था आदमी जो जो खिड़की के पास था, खिड़की के पास खड़ा था। The window berth was just opposite their cubicle, which Neha and her mother were sharing with the lady ऑन द बुक ऑन द बंक, ठीक है। अब देखो, ये जो क्यूबिकल है वो क्या होता है वो बताता हूँ तुमको। क्यूबिकल मतलब एक स्मॉल एरिया सेट अप बाय वॉल्स। क्यूबिकल मतलब छोटा सा एरिया होता है, केबिन टाइप, जिसके आसपास दीवारें होती है, ठीक है। जैसे बर्थ होती है ना ट्रेन में, वैसा ही, वैसा बताने की कोशिश कर रहा है हमारा राइटर, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप के रुक पाऊंगा मैं, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द विंडो बर्थ वॉज जस्ट अपोजिट देयर क्यूबिकल, तो जो विंडो वाली बर्थ थी, विंडो वाली सीट थी, वो जस्ट उनके जो क्यूबिकल था उनके सामने थी। जो नेहा और उसकी जो मम्मी थी वो शेयर कर रही थी, किसके साथ शेयर कर रही थी, वो शेयर कर रही थी विद लेडी ऑन द बंक, एक लेडी के साथ शेयर कर रही थी वो। ऑन द बंक छोड़ो तुम लोग, एक लेडी के साथ वो अपनी बर्थ शेयर कर रही थी। इट वॉज वन ऑफ द ओल्ड सेकेंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट्स, ये थे जो, ये नहीं होते स्लीपर, वो पुराने स्लीपर जो कंपार्टमेंट होते हैं ना ट्रेन में, वो थे वो, ठीक है। नेहा लाइक्ड इट, नेहा को ये पसंद था। शी लाइक्ड द कॉरिडोर दैट सेपरेटेड द क्यूबिकल्स फ्रॉम द विंडो बर्थ, उसको जो कॉरिडोर था, कॉरिडोर मतलब जो गैलरी होती जहाँ से लोग बाग निकलते हैं, उसको वो पसंद था, जो बर्थ को अलग अलग कर रहा था विंडो को, वन कुड हैव अ स्ट्रोल अलोंग इट, कोई आराम से घूम सकता था वहां पे, ठीक है। नेहा हैड बीन एंजॉयिंग चिट चैटिंग विद अ फ्रेंड निखिल इन द अदर क्यूबिकल, नेहा एंजॉय कर रही थी चिट चैट मतलब बात करना उसके दोस्त से, जो निखिल उसके बाद उसके दोस्त निखिल से जो कि दूसरे क्यूबिकल में बैठा था, ठीक है। नेहा उससे बात करना पसंद कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। वाइल कमिंग बैक जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द क्यूबिकल शी लुक बैक एंड स्पॉटेड द बुक, वापस आते समय जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द क्यूबिकल, जैसे वो क्यूबिकल का जो दरवाज़ा है जहाँ से अंदर आते हैं, उसने पीछे देखा एंड स्पॉटेड द बुक। शी लुक बैक, उसने पीछे देखा एंड स्पॉटेड द बुक, और उसने किताब को देखा। How come my book is lying with you, sir, here? वो पूछती है कि मेरी किताब आपके पास क्या कर रही है सर, यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है, मेरी किताब आपके पास क्यों पड़ी हुई है।
नेहा क्राइड आउट, नेहा चिल्लाई, द मैन डिड नॉट स्टिर, वो आदमी बिल्कुल नहीं झिझका हिचका नहीं, वो ही वो उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया. ही वॉज बिजी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर डेट कवर्ड हिज फेस साइड वेज, वो बिजी था एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था जिसने उसके फेस को कवर कर रखा था. He did not reply, उसने जवाब नहीं दिया. That enraged Neha, enraged मतलब उसने जवाब नहीं दिया तो क्या हो गया, enraged मतलब गुस्सा आ गया नेहा को ये चीज़ को, ये चीज़ देखने के बाद नेहा को गुस्सा आ गया. Excuse me, she asked earnestly. Excuse me, उसने पूछा सीरियस होकर, earnestly मतलब seriously, ठीक है. Yes, the man replied without looking up. Yes, उस आदमी जवाब दिया ऊपर देखे बिना ही, उस आदमी जवाब देगा दिया. बिजी रीडिंग ए, वो पूछ रहा है कि बिजी हो ये पढ़ने में. लिसन, कैन आई टेक माई बुक, नेहा वॉज एंग्री, उसने पूछा सुनो क्या मैं अपनी किताब ले सकती हूँ, नेहा बहुत गुस्से में थी. योर बुक विच वन, तुम्हारी किताब कौन सी वाली, ऐसा वो आदमी कहता है. द मैन लुकड अराउंड, उस आदमी ने आसपास देखा. माई बुक, यस द वन पंचतंत्र, मेरी किताब, हाँ ये एक जो पंचतंत्र है वो, ठीक है, ऐसा नेहा कहती है. ठीक है, नेहा पॉइंटेड आउट द बुक लाइंग अमोंग अ होस्ट ऑफ अदर बुक एंड मैगजीन्स कैप्ट बाय साइड, नेहा ने एक किताब को पॉइंट किया मतलब एक किताब को बताया कि ये मेरी किताब है जो वहाँ पे मैगजीन बुक्स पढ़ी थी उनके बीच में. आर यू श्योर दिस इज योर बुक, द मैन आस्क्ड, आर यू श्योर दिस इज योर बुक, द मैन आस्क्ड, आप क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारी किताब है ये, उस आदमी ने पूछा. हिज फेस लिट अप विद अ फेंट स्माइल, उसका जो उसका जो चेहरा था चमकने लगा एक बढ़िया अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ. ही कैप्ट लुकिंग एट हर, वो उसकी तरफ देखता रहा, मतलब देखता रहा. दिस कुड बी माइंड टू, ही क्विप्ड विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, ये तो मेरी भी हो सकती है. उसने क्या किया, उसने एकदम से हाजिर जवाबी में जवाब दिया, उसने कि ये तो किताब मेरी भी हो सकती है. उसने कोई आंसर का इंतजार नहीं करते हुए नेहा से और फटाफट जवाब दे दिया. इज ही किडिंग, अ बुक फॉर चिल्ड्रन हिज कमिंग ऑन टू ऑन टू मिसचीफ, क्या ये मजाक कर रहा है, किडिंग मतलब मजाक कर रहा है, एक बुक ऑफ एक बच्चों की किताब वो भी इसकी, क्या शायद मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ. शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने सोचा ऐसा, नेहा ने ऐसा सोचा. मा लुक द बुक कुमार अंकल गेव मी एट द स्टेशन ही हैज टेकन इट, तो बताती कि मम्मी देखो जो किताब मेरे को कुमार अंकल ने दी थी स्टेशन पर वो उसके पास है. नेहा कॉल्ड हर मदर, मदर डिड नॉट हियर इंस्टेंटली, नेहा ने अपनी उसकी मम्मी को बुलाया, नेहा की मम्मी ने एकदम से नहीं सुना. ठीक है, तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं यार, काफ़ी हो जाएगा और तुम लोग की खिचड़ी बन जाएगी है ना, समझ में नहीं आएगा. तो आज यहाँ पे हम लोग उसका विराम करते हैं टेकन इट पर और मार्क कर लेना इसको, यहाँ पर हम लोग फिनिश हो गए थे. ठीक है, तो बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे. थैंक यू.